ग्रीन के नाम से। अब जियो ग्रीन ये क्या है, ये बैक्टीरिया वाला खाद है। कभी भी आप खाद वगैरह खरीदते हैं बाजार से या कोई जैविक वाले आपके पास आते हैं, बहुत सारी कंपनी वाले आते हैं, कभी भी आप खाद खरीदें तो NOC द्वारा सर्टिफाइड ये संस्था होती है, ये प्रमाण करती है कि आपका खाद पूरा जैविक है, ये प्रमाणीकरण है उसका। NOCA मतलब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट एसोसिएशन, ये एक संस्था होती है, ये खाद को प्रमाणित करती है कि ये खाद पूरा जैविक है। अगर ये सर्टिफाइड नहीं है तो समझना कि वो खाद जैविक नहीं है, वो फैक्ट्री में बना हुआ खाद है जो 950 और 1050 में आपको मिलता है, ठीक है ना। हाँ, लोकल में ऐसी चीज़ें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, खाद वाले आपके पास बहुत आते होंगे। ये टाटा कंपनी का जियो ग्रीन है, ये 50 किलो की भर्ती में आता है और ये पूर्ण जैविक है, मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं 75 प्रकार के, जीवित बैक्टीरिया आते हैं 75 प्रकार के अलग अलग। कंपनी क्या करती है, विदेशों से इसको खरीद के और जो गन्ने की जो डस्ट बचती है उससे ये खाद को बनाती है, और इसको राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा भी ये सम्मानित है, इसमें आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें 75% के अलग अलग बैक्टीरिया आते हैं, जीवित बैक्टीरिया आते हैं। ये जैसे आप खाद परचेस करते हैं, आप जैसे खेत में इसको डालेंगे तो उसके बाद जैसे ये पानी के संपर्क में आएगा ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे। अब इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है कि भूमि जो कठोर हो गई है अपनी DAP डालना, पूरी कड़क हो गई है। आज अपन ने 30 साल से अपन DAP का उपयोग कर रहे हैं, जमीन अपनी कड़क हो गई है, तो ये बैक्टीरिया का काम है कि उस जमीन को नरम करना, भूमि को मुलायम करना। कंदमूल की फसलों के लिए तो ये रामबाण है, मतलब बहुत शानदार रिजल्ट है इसके, क्योंकि जमीन नरम होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी, ये आप समझते हैं। दूसरा, भूमि का जो pH होता है, pH एक मान होता है जिसको बराबर संतुलित होना बहुत आवश्यक है। अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी तो उत्पादन में कमी आएगी, अगर क्षार की मात्रा ज़्यादा होगी तो भी उत्पादन में कमी आएगी, ये दोनों संतुलित होना बहुत आवश्यक है। टाटा जियो ग्रीन में ये चीज़ें हैं, और कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो होता है खाद में, ये एक जानकारी जो आपको ज़रूरी है मतलब समझना। कार्बन और नाइट्रोजन का एक अनुपात होता है, जिसका अनुपात होता है 10.1, कार्बन का 10 और नाइट्रोजन का 1, इसका 10.1 अनुपात इसका है खाद का। इसको यूज़ करने के बाद आपको पोटास की मात्रा भी कम करना है, मतलब वो खर्चा भी आपका बच जाएगा। दूसरी बात, DAP क्या होता है, DAP होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, 3 तत्व आते हैं उसके अंदर। DAP बनता कैसे मैं आपको बता दूँ, DAP बनता ऐसा है कि एक डायनामाइट करके एक पत्थर आता है, डायनामाइट पत्थर के ऊपर DAP के ये 3 तत्व कोटेड होते हैं, बारीक किया जाता है पत्थर को और ये 3 तत्व को कोटेड किया जाता है। 10 किलो डाई अमोनियम फॉस्फेट में 40 किलो पत्थर के ऊपर कोटेड करके 50 किलो बना के आपको दिया जाता है, बिल्कुल सही जी। और कीमत उसकी है अभी 1400 रुपये हो गई है, 1250 रुपये कीमत थी उसकी, अब 1400 रुपये का DAP हो गया है। तो अपन जब 1400 रुपये दे रहे हैं और अपने को डाई अमोनियम फॉस्फेट जो लग रहा है अपने वो कितना मिल रहा है, 10 किलो, 40 किलो डायनामाइट पत्थर है। आज अपन 30 साल से खेती करते आ रहे हैं, मतलब तो डाई अमोनियम फॉस्फेट अपन डालते आ रहे हैं शुरू से, उसमें रेत मिली हुई आ रही, तो अपन ने कितनी रेत डाल दी, और रेत का काम होता है भूमि के जीवाणु को मारना और भूमि को कड़क करना, ये चीज़ें होती है। तो उस जमीन को नरम करने की अपने को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, गवर्नमेंट भी जैविक के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, क्योंकि विदेशों से आयात निर्यात बंद हो गया है इंडिया से, क्योंकि अपने इधर की बीमारी विदेशी सोचते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया की बीमारी विदेशों में आ रही है, तो इसलिए उनने रासायनिक को पूरा प्रतिबंध लगा दिया है, पूर्णतः बंद कर दिया है। अब विदेश बोल रहा है कि जैविक या ऑर्गेनिक हमको फल और सब्जियाँ दो, तो इसके लिए गवर्नमेंट जैविक पे जोर दे रही है, और अपने को आने वाले समय में जैविक पे आना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। नहीं, सही थे कि 2019 अक्टूबर के लगभग गेहूँ के समय आपको ये DAP की रेट हो जाएगा आपका 1700 से 1800 रुपये, ये निश्चित है। अभी 1400 हो गया है, एक साल में 1700 से 1750 रुपये का रेट आपको मिलेगा। गवर्नमेंट चाह रही है कि किसान की पहुँच से दूर हो जाए DAP, जो हम एक एक एकड़ में 4-4 बोरी डाल रहे हैं उत्पादन के चक्कर में, ये अपनी पहुँच से दूर हो जाए, तब आप DAP कम यूज़ करोगे, अगर महंगा रहेगा तो आप कम यूज़ करोगे। तो ये समस्या से बचने के अपने को जैविक पे आना पड़ेगा, अपनी जमीन में नरम। एक एकड़ में एक बोरी, ये एक एकड़ अगर आप प्याज लगाते हैं तो ये 4 से 5 बोरी, 5 बोरी के लगभग आपको डालना है। अगर आलू लगाते हैं तो ये 6 से 7 बोरी आपको डालना है एक एकड़ में शुरुआती दौर में। इसके बाद क्या होगा, अभी ये मात्रा अपने को ज़्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि भूमि 30 साल से मतलब रासायनिक की मार झेल रही है, कड़क हो गई, रासायनिक की मार झेल रही है। अब उसको जैविक लाने के लिए अपने को थोड़ी सी मात्रा इसकी बढ़ानी है। हाँ, और ये 3 फसल तक का इसका रिजल्ट रहता है। आप 3 फसल में इसको यूज़ करते हैं तो आपकी खेती पूर्णतः जैविक में मोल्ड हो जाएगी, फिर वो रासायनिक नहीं रहेगी। गेहूं में भी चलेगा ना? बिल्कुल, सब में चलेगा। DAP डालते हैं उस जगह पर आप ये टाटा का जियो ग्रीन यूज़ करो।
और रही बात कीमत की, तो ये इसका कीमत भी अच्छा है, 50 किलो का बैग आता है, 485 रुपये का कीमत है, क्योंकि कंपनी डील करती है डायरेक्ट कंपनी से किसान के बीच, बीच में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह का लफड़ा नहीं है, इसलिए आपको कीमत भी कम मिलती है। ये आप जैसे बुकिंग कराते हैं, ये आप बुकिंग कराते हैं, जितनी बुकिंग होती है तो ये कंपनी से सीधे आपको डिलीवर होगा। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जियो ग्रीन के विषय में। थैंक यू, धन्यवाद।